तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा डूबा डूबा। तो आपको अपने असली वालदैन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और कोई बता नहीं रहा होगा। आप खुशकिस्मत है, मैं जानता हूं वो कौन है, मैं बता भी सकता हूं। जी ठीक है, नहीं डिलीवरी होगी ये काम की, जी जी गाड़ियां भेज दी हैं। लेट्स गो। केक नहीं आया बेटा, एक हमारी बिटिया के लिए भी पैक करवा दीजिए। ये वाला पैक कर दीजिए। कौन था ये आदमी? No idea. लेकिन I think मैंने इसको अब्बा के साथ एक दो बार देखा है। बहुत अजीब था। I think हमें तुम्हारे अब्बा को बताना चाहिए। नहीं। I want to know ये क्या जानता है? हमें please। बहुत dangerous लग रहा था यार। I don't know उसका क्या agenda है। You better stay away from him। इसको कैसे पता कि मेरे घर में क्या चल रहा है? कि मैं अपने birth parents को ढूंढ रही हूँ। मुझे खुद कल पता लगा है। How does he know? और तुम्हें ये बात बिल्कुल अजीब नहीं लग रही? He's a very scary man. And very shady also. खुदा का वास्ता है, don't know. देखो, birth certificate वैसे नकली निकला है। कोई और हमें कुछ पता नहीं रहा। दादी ने dead end लगा दी है कहके कि यार कोई सड़क में फेंक गया था। इस तरह तो impossible है ना किसी को भी ढूंढना। शायद भी कुछ बता दे हमें। Listen, अगर ऐसी कोई information exist करती है, तो तुम्हारे अब्बा को बताओगी? Ask him, not this man. यार वो कभी नहीं बताएंगे। I know him. But this is good. अरे क्या देख रहे हो? ढूंढो। ओके हम ढूंढ के रहे मेरे बचपन के डॉक्यूमेंट्स यार, एनीथिंग यू कैन फाइंड। नहीं है, चले। ये लॉक्ड है, चाबी ढूंढो, इधर ही होगी। अब ये मत कहना कि पेपर क्लिप से लॉक खोलो, प्लीज। इधर ही होगी कहीं चाबी, इधर ही होगी चाबी, मैं बता। अब्बा, चलो। नहीं 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 नहीं, बाहर जाओ और उनको डिस्ट्रैक्ट करो, उनको अंदर मत आने देना, गो। व्हाट? 10 साल से उन्हें अवॉइड कर रहा हूँ मैं। मुश्किल से कोई 3 लंबी कन्वर्सेशन हुई है हमारी। मुझे डर लगता है उनसे। आई कैन नॉट डू दिस। देयर इज नो टाइम, गो। अस्सलाम वालेकुम अंकल सर। वालेकुम अस्सलाम रामेश, तुम यहाँ कैसे? कैसे आना हुआ? बात करनी थी। आओ बात करो, बैठो। सर वो मेरी अम्मी ने कहा उस दिन, उनका जो रवैया था वाज़न्ट नाइस। मैं अपोलोजाइज करना चाह रहा था, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ बहुत ज़्यादा। सर राइट, वैसे भी मैं वालदैन की गलतियों की जिम्मेदारी बच्चों पर नहीं डालता। मेरा ख्याल तो
बेहतर यही है कि तुम अपनी अम्मी को कह दो कि मारुख से डायरेक्टली बात कर लें, है ना? दैट्स जस्ट बेटर। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन वो आंटी कह रही थी कि मारुख आंटी कह रही थी कि रिश्ता रोक लें, तो ये भी तो इट्स नॉट नाइस। मैं ये कह रहा था कि ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। रामेस, मैं समझता हूँ कि ये मामला अगर पेरेंट्स के दरमियान तय हो तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, है ना? एब्सोल्युटली। Is that all? नहीं सर, सॉरी, एक और बात भी थी बड़ी इंपॉर्टेंट। सर वो पैंडा वाली वीडियो देखी है आपने? सर वो पैंडा इज प्लेइंग वायलिन, सर इट्स सो इंटरेस्टिंग सर, इट हैज मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी है। पैंडा वायलिन प्ले कर रहा है, इट्स सो अमेजिंग सर, इमेजिन पैंडा प्लेइंग अ वायलिन। नहीं सर, इतनी अच्छी भी नहीं है, और यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये बात बड़ों में होनी चाहिए, क्योंकि हम तो इतने मैच्योर नहीं है कि हम बात कर सके, तो आप देख लीजिएगा सर। थैंक यू, आई विल सी यू सून, अल्लाह हाफिज। पैंडा प्लेइंग वायलिन। मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। इसके अंदर मेरा पूरा बचपन है यार, मेरी वैक्सीनेशंस, मेरी माय स्कूल सर्टिफिकेट, माय बर्थ सर्टिफिकेट। मदर्स नेम मारुफ जलाल, बाप का नाम नीर जलाल। Sorry, Anu. I know you're disappointed. क्या एक्सपेक्ट कर रही थी और क्या निकला? एक और झूठ। हमारे अब्बा नहीं बनवाया होगा स्कूल वगैरह के लिए। पता, वो बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा था। सच्चाई जो होती है ना, बड़ी कीमती चीज होती है, और कीमती चीजें ना ऐसी मुफ्त में नहीं मिला। कौन? देखो वो जैसा भी था ठीक है ना, एटलीस्ट सच्चाई बताने पर राजी था मुझे। सोचना भी नहीं। देखो वो सौदा कर रहा था ठीक है ना, सच बेच रहा था, वो छुपा नहीं रहा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, डेंजरस हो सकता है। इस बात का मतलब पता है तुम्हें? डेंजरस? रामेश, उसने मुझे अपना नंबर दिया और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तुमने मेरे साथ चला तो चलो, वरना तुम्हारी मर्जी। अनु, अनु, अनु यार। कह दिया जहारा से कि इस हफ्ते भी मैं घर से ही काम करूंगी। केपेबल लड़की है, वो कर लेगी हैंडल। वैसे भी मैं वो ईमेल और वीडियो चैट पे तो अवेलेबल होती हूँ, मुझे लगा नहीं सके मुझे घर पे रहना जरूरी है। तुमने उसे एडॉप्शन सर्टिफिकेट क्यों दिया? तो क्या करती? अगर हम उसके सवालों का जवाब नहीं देंगे ना जलाल, तो वो अपने सवालों का जवाब ढूंढने कहीं और जाएगी। जवाब तो नहीं, अलबत्ता वो सवाल और लेके आई। मुझे क्या पता था कि उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा। मैंने सोचा भाई वो कह देंगे कि हमारे रिकॉर्ड्स में आपके बर्थ पेरेंट्स का नाम नहीं है, और उसको भी यकीन हो जाएगा कि हम उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को नहीं जानते बस। लेकिन अब अनीसा मुझ पर शक कर रही है जैसे मैंने कोई जाली सर्टिफिकेट बनवाया। बीट दैट। वैसे अजीब बात नहीं है, सारे सर्टिफिकेट्स में से सिर्फ उसका सर्टिफिकेट नहीं है। अब तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? नहीं भाई, मुझे मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो अपने रिकॉर्ड्स के मामले में इतने पर्टिकुलर हैं
सिर्फ इसका रिकॉर्ड कैसे खो गया उनसे? और इस बात का जवाब भी मेरे पास होना चाहिए, राइट? अजीब लगा मुझे बस, नकली का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, क्यों? कह देते हमारे पास इतने पुराने रिकॉर्ड्स नहीं है। एग्जैक्टली, पर वो सच क्यों बोलेंगे? ठीक कह रहे हो, क्यों मानेंगे अपनी गलती? वैसे भी आजकल असली और नकली का फर्क बताना तो मुश्किल ही हो गया है। आई मीन, तुमने भी उसकी आईडी और पासपोर्ट के लिए बनवाए थे नकली सर्टिफिकेट। वेट 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 वेट, तुम उस बात को और इस बात से कैसे रिलेट कर सकती हो? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो यार? अरे पैरानॉइड क्यों हो रहे हो जलाल? मैं बीवी हूं तुम्हारी, मुझे तो तुम्हारी बात पे इतबार करना ही पड़ेगा। और क्यों बनाओगे तुम कोई नकली सर्टिफिकेट? अल्लाह इसको छुपा रहे हो। कहाँ? पानी पीना जा रहा हूं। हो रखा बस आता हूं। अब सारी रात पानी ना पीते रहना। क्या मुंह बना के क्यों बैठे हुए हो? तुम्हें नहीं पता? हाँ, तुम्हें नहीं पता मेरा मुंह क्यों बना हुआ है? आई एम अगेंस्ट दिस मीटिंग, ओके? तो मत आते ना, क्यों आए हो? बचपन से शौक था मुझे पार्क में मरने का, वही ख्वाहिश पूरी करने आया हूँ। यू डोंट नो टू प्रोटेक्ट यू, ओके? ओ हेलो, आई डोंट नीड योर प्रोटेक्शन। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? तुम इससे अपनी प्रोटेक्शन करोगे? व्हाट्स रॉन्ग विद यू मनीषा? मतलब वो छुरी कांटा नहीं ला रहा, उसके पास गन भी हो सकती है। हाँ तो मेरे पास गन नहीं है, लेकिन किचन में सबसे तेज छुरी यही थी, मैं ले आई। वो आ रहे, इसको अंदर अंदर घुस को। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सही फैसला किया बिटिया, सही फैसला किया जो आप यहाँ आ गए। सच की तलाश में आई। सच बड़ा कड़वा कर, लेकिन झूठ झूठ बहुत जहरीला। क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? इस सवाल का जवाब है मेरे पास, इसकी तलाश है तुम। हम कैसे मान लेंगे सच? पैसे दे दिए ठीक है, लेकिन क्या गारंटी? बेटी ऐसे कहें, ये सबूत अपने वालिद मोहतरम के सामने रख। ठीक है रख देंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये नकली है या झूठ है, तो उनकी बात माने या तुम्हारी, तुम्हें हम जानते भी नहीं। बिटिया के पास है मेरा नंबर, आप भी यही हैं, मीर जलाल साहब भी यही हैं, और हम भी। खुदा हाफिज़।
अनीशा, आई ओके बेटा? ये क्या है? कहां से आए? क्या हो रहा है? What's this? ये सच है? जाली है ये, और तुम्हें जिसने भी ये दिया है मुझे ब्लैकमेल करने के लिए दिया है। जाली वाला तो आप मुझे दिखा चुके हैं, जो आपने खुद बनवाया था। कौन सा? जो मेरे पास पड़ा था बेटा, वो तुम्हारे एडमिशन्स, आईडी कार्ड, पासपोर्ट बनाने के लिए चाहिए था, सो बनवा लिया। नो, बट व्हाट इज दिस? कौन है ये? किसका नाम है ये? ये तो मैं जानना चाह रही हूँ। इसमें जो बाप वाला सेक्शन है उसमें आपका नाम लिखा हुआ है, माँ वाले सेक्शन पे तानिया जलाल का नाम लिखा हुआ है। ये मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स का ना, तो नाम तो दोनों के मुख्तलिफ होने चाहिए, तो बाप वाले सेक्शन में आपका नाम क्यों लिखा हुआ है? तानिया कौन है? देखो, ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। अभी थोड़ा तुम लोगों को समझना पड़ेगा, ये जो जवाद है ये एक फ्रॉडस्टर है, धोखेबाज है वो। ही इज प्लेइंग हिज ट्रिक्स ऑन यू, ही इज प्लेइंग विद योर माइंड्स। झूठा है वो, एक नंबर का धोखेबाज है। मैंने तो ये कहा ही नहीं है कि मुझे जवाद ने दिया, उसका नाम तो मैंने लिया नहीं, आपको कैसे पता? नो, बट हु इज तानिया? व्हाई इज शी जलाल? इट्स जस्ट तानिया जलाल, व्हाई जलाल? देखो तुम इस मामले के बीच में मत पड़ो और उसको यहीं पे छोड़ दो, वरना कोई भी इस बात का फायदा उठाते हुए कल को तुम्हें कोई भी स्टोरी बताएगा तो तुम मान लोगी? आप मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं? कैसी बातें कर रही हो यार, सारी दुनिया जानती है तुम मेरी बेटी हो, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, राइट? और मुझे किसी को हालांकि ये बात प्रूव करने की कतई जरूरत नहीं है, लेकिन आई थिंक नहीं तो आप मुझे तो बता ही सकते हैं ना, बता दे कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। क्या जाता है अब्बा इसमें? जस्ट से इट। Why can't you just tell us who Tanya is? अब्बा इसमें मसला क्या है? Just say it. जलाल, कौन है तानिया? This are you, somebody is trying to frame. एक काम करते हैं, हम मेरा DNA टेस्ट करवाते हैं, ठीक है? अब्बा अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव आ गया ना, I promise you मैं इस पूरे मामले का पीछा छोड़ दूंगी। मैं आपसे कभी सवाल नहीं करूंगी कि आपके अब तानिया जलाल के साथ क्या रिश्ता है या मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है। I will let this go, मैं ये पूरा मामला छोड़ दूंगी। तानिया का रिकॉर्ड भी झूठ है, ये भी झूठ है, सच क्या है? तुम हमें बता क्यों नहीं सकती कि तानिया कौन है? जलाल, तुम्हारी खामोशी कह रही है कि ये सब सच है। Who is she? Why can't you just tell us? जलाल! ये सच है। मैं तुम्हारा बाप, तुम्हारा बायोलॉजिकल बाप हूं। आई एम योर बायोलॉजिकल फादर। और तानिया तुम्हारी बायोलॉजिकल माँ है, जिसने तुम्हें पैदा किया था। वी आर योर रियल पेरेंट्स।
मैं जानता हूं इस वक्त तुम दोनों के दिमाग में हजारों सवाल उठ रहे होंगे, मैं जवाब दे हूं। और मैं तुम दोनों के हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन एक जवाब मैं तुम्हारे पूछने से पहले खुद देना चाहता हूं। मैंने तानिया से निकाह किया था, वो शादी मां की मर्जी के खिलाफ थी। तानिया मेरी सेक्रेटरी थी, क्रिश्चियन थी। तानिया डिसूजा, और मां के लिए यह नाकाबिल बर्दाश्त था। उन्होंने शादी को कभी तस्लीम नहीं किया। और फिर कुछ अरसे बाद शादी खत्म हो गई। उसके बाद मारूख से मेरी शादी अरेंज हुई। पता नहीं अगर मारूख के अलावा कोई और होता तो मेरा क्या होता। मुझे क्या गम है, ये जाने बगैर मुझे समेट लिया, दोबारा से जोड़ लिया मुझे। मुझे ये तो नहीं पता कि मैंने जो किया वो सही था गलत था क्या था, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो भी किया तुम्हारे लिए किया। बिकॉज द फैक्ट इज that I've always loved you and I do love you immensely. मैं यहां तुम दोनों के सामने हूं, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो। हमें कभी ना कभी तो बात करनी पड़ेगी। क्यों? वाए, जबरदस्ती है? जैसे अनीसा को छीन लाए उसकी माँ से, समझते हो मुझे भी प्रेशराइज करोगे, जोर जबरदस्ती करोगे जिसके साथ दिन जाए?
not a monster. You are worse than a monster! Maruk. Maruk, मैंने कभी तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं की है. But you don't know the whole story. बेवफाई? मैं तुम्हारी दूसरी बीवी हूं. दूसरी. और ये बात मुझे तुम्हारे साथ 3 decades रहने के बाद पता चलनी चाहिए थी. हाँ, और तुम तो शायद मरते दम तक नहीं बताते जलाल अगर तुम्हारी बेटी नहीं पूछती. तुम्हारी और तानिया की बेटी, वो मुझे इन सब बताने की जरूरत भी क्या थी? इस सारे क्वेश्चन में मैं कौन हूं? Who am I? I'm just an outsider. I watch you from outside. I'm nothing, nobody in this, I'm nobody to you. My entire life, my whole life, you. Just go. Just go, Jana. Don't go, I kill you, just go, get out! Get out! पिछले कुछ दिनों से इतना कुछ हो रहा है कि मुझसे कुछ प्रोसेस ही नहीं हो रहा. मेरे अंदर इतने सारे इमोशंस हैं लेकिन एक भी इमोशन सही से महसूस नहीं कर पा रही हूँ. I know, I'm sorry. मैं क्या करूँ रामिस? मतलब मैं चीखना चाहती हूँ, मैं I want to lose control, लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा. ऐसे जैसे मैं बिल्कुल सुन हो गई हूँ. अपने ही इमोशन से डर लग रहा है मुझे. I'm scared of falling apart. हम चलें. कहाँ? कहीं दूर. भाग जाओगी? हाँ, बस यहाँ से दूर. ना झूठ ना हो, कोई मुझे जानता ना हो, ये सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ मैं. मुझे भी. तुम्हें तो अपने साथ लेके जाऊंगी मैं. ऑफर तो अच्छी है पर मुझे डिक्लाइन करनी पड़ी. क्यों? क्योंकि मैंने 10 साल झक नहीं मारी. आई नो यू. ये जो चेहरे पे सेल्फ पिटी है और ये जो खुद के लिए सॉरी फील करना है ना, बिल्कुल सूट नहीं करता. ओके, चलो उठो. या गेट अप. मेरी अनीसा फाइटर है. जिंदगी ने उसको कुछ पंचेस मारे हैं. थोड़ी डिसओरिएंटेड हो गई है. या शी इज लॉस्ट अवे. शी इज लॉस्ट अवे. या पर उसको कोई नॉकआउट नहीं कर सकता क्योंकि वो हारती नहीं है, वो लड़ती है. या
बस 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 तो बताओ अब क्या करूं? मैं अपनी माँ को ढूंढूंगी। रख दो शाहीन, छोड़ दो, जाओ तुम। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, नाश्ता? नहीं, काम पर जाना है। संडे है? जी, वो अक्सर लोग संडे को ही आते हैं गाड़ियाँ देखने, छुट्टी होती है। आप लोग प्लीज कंटिन्यू, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ सर। खुदा हाफिज़। मैं मिलना चाहती हूँ उनसे। आई वॉन्ट टू मीट हर। आप हर बार यूं बात छोड़ के नहीं जा सकते अब्बा। मैं जानना चाहती हूँ मेरी, जिन्होंने मुझे पैदा किया, जो मेरी बायोलॉजिकल मदर है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अब्बा, तुम उससे नहीं मिल सकते। क्यों? जिंदगी के इम्तिहान का हर नए मोड़ पे एक हरबा, नया हरबा, इश्क की हदों के पार भी है इश्क का नया एक दर्जा, नया दर्जा। हो एक दूसरे से दर्द का कैसा रिश्ता जुड़ा है, हैरानगी है। चारों तरफ देखा है जहां भी दीवानगी ही दीवानगी है। ओह 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 हो क्या
क्या हुआ है कुछ बता सकते हैं आप? नाम क्या है आपका? नाम पूछ रहा हूं आपका, नाम क्या है? मीर जलाल, मीर जलाल। तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा डूबा डूबा, तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा डूबा डूबा, कुछ कह न पाया तेरे मन में झांका, तो खुद को ही पाया।